हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको आपके साइंस का फर्स्ट चैप्टर है जिसका नाम क्या है, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स यानी पौधों में पोषण, उसके बारे में पढ़ाऊंगा। ये चैप्टर मैं पिछली ऑनलाइन क्लास में आप लोगों को टीच कर चुका हूँ, पढ़ा चुका हूँ, सिखा चुका हूँ, लेकिन कई बच्चे उस समय ऑनलाइन में ना जुड़े होने के कारण मैं इस चैप्टर को फिर से रिवाइज़ कर रहा हूँ। जिन बच्चों ने पढ़ लिया है वो इसे रिवाइज़ कर लें, और जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो इससे जो इसमें आपको बातें बताई गई हूँ उन बातों को दिमाग में रखें और सीखें क्या बातें इसमें बताई गई हैं। इस लेसन का जो लेसन प्लान है वो मैंने आपको सेंड कर दिया है। अकॉर्डिंग टू लेसन प्लान हम लोग स्टेप बाय स्टेप टॉपिक को पढ़ते हुए चलेंगे, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज के टॉपिक में हम लोग क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले ये पढ़ेंगे कि न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं और न्यूट्रिशन क्या होता है, ठीक है? हम सभी क्या करते हैं, भोजन करते हैं। भोजन करते हैं कि नहीं भोजन करते हैं? तो वो भोजन हम क्यों करते हैं? भोजन हम इसलिए करते हैं ताकि उसमें जो उससे हमें क्या मिले, एनर्जी मिले, और उस एनर्जी का इस्तेमाल हम ग्रो करने में यानी बड़े होने में, वृद्धि करने में, और साथ में जो हमारे टिश्यू डैमेज हो जाते हैं उनको रिपेयर करने में करते हैं। इसके अलावा जो एनर्जी मिलती है उसका इस्तेमाल जो है वो लाइफ को सस्टेन करने, लाइफ के जो प्रोसेसेस होते हैं जैसे कि रेस्पिरेशन होता है, मूवमेंट होता है, रिप्रोडक्शन होता है, एक्सक्रेशन होता है, इससे अलावा भी और सारे प्रोसेसेस होते हैं जो हमारी बॉडी में चलते रहते हैं। वो सभी प्रोसेस चलते रहें, अच्छे से काम करते रहें, उन सब के लिए भी क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, ठीक है? तो इस तरह से हमने जाना है कि फूड जो होता है वो हम सब के लिए बहुत असेंशियल होता है। इसलिए असेंशियल होता है क्योंकि वो हमें ग्रो करने में, रिपेयर करने में, बॉडी टिश्यू को रिपेयर करने में और साथ में लाइफ प्रोसेस को चलाने में मदद करता है, लिए एनर्जी देता है, ठीक है? लेकिन अब प्रश्न ये उठता है, तो क्या फूड खाने से ही मिलता है? नहीं, फूड में क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, पोषक तत्व होते हैं, ठीक है? ये पोषक तत्व ही वास्तव में हमें क्या देते हैं, एनर्जी देते हैं, ठीक है? अब ये जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ये अलग अलग प्रकार के होते हैं, ठीक है? जैसे कौन कौन से प्रकार होते हैं न्यूट्रिएंट्स के, जैसे कार्बोहाइड्रेट होता है, फैट होता है, प्रोटीन्स होता है, विटामिन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं। ये क्या होते हैं, फूड के कंपोनेंट होते हैं, इन्हीं से फूड बना होता है, ठीक है? अब आप जैसे दूध पीते हो उसमें प्रोटीन होता है, ठीक है? आप रोटी या चावल खाते हो उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है, आप सब्जियां खाते हो उसमें विटामिन्स होते हैं, ठीक है ना? तो ये अलग अलग न्यूट्रिएंट अलग अलग तरह के फूड में कंपोनेंट होते हैं, उनके भाग होते हैं जिनका इस्तेमाल हम जो है एनर्जी प्राप्त करने के लिए, लाइफ प्रोसेस को चलाने के लिए करते हैं, ठीक है? तो अगर आप पूरा समराइज़ करोगे तो वो पूरा प्रोसेस जिसमें हम भोजन को लेते हैं और लेने के बाद हमारा बॉडी जो है उसको यूटिलाइज करता है, यानी द प्रोसेस ऑफ टेकिंग ऑफ फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, यानी वो पूरी प्रक्रिया जिसमें प्राणी यानी जीव जो है वो भोजन को लेता है और उसका शरीर उस फूड का को यूटिलाइज करता है, उसका उपयोग करता है, ठीक है? इस पूरे प्रोसेस को क्या कहा जाता है, न्यूट्रिशन कहा जाता है, ठीक है? और ये न्यूट्रिशन करता कौन है, फूड में जो अलग अलग कंपोनेंट होते हैं कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, ये सब करते हैं, ठीक है? और ये जो न्यूट्रिएंट्स होती हैं इनकी हमारे बॉडी को इसलिए रिक्वायरमेंट होती है ताकि हमारा बॉडी ग्रो कर सके, डैमेज टिश्यूज को रिपेयर कर सके और लाइफ सस्टेनिंग प्रोसेस को जो है कैरी आउट कर सके, समझ में आया? तो इस तरह से हमने न्यूट्रिशन के बारे में और न्यूट्रिएंट्स के बारे में जाना, ठीक है? अब हम जानेंगे कि ये जो न्यूट्रिशन होते हैं इसके कितने तरीके से किए जा सकते हैं, न्यूट्रिशन जो होते हैं वो कितने तरीके से किए जा सकते हैं, इसके मोड्स कौन कौन से हैं, तो आइए देखते हैं इसके मोड्स के बारे में। मोड ऑफ न्यूट्रिशन यानी पोषण के तरीके, ठीक है? तो बच्चों ये जो न्यूट्रिशन का मूड होता है यानी पोषण करने का तरीका होता है वो दो तरीके का होता है, ठीक है? कितने तरीके का होता है, दो तरीके का होता है, एक होता है ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन और एक होता है हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन, ठीक है? जब कोई प्राणी, सबसे पहले हम देखेंगे कि ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन क्या होता है और हेटरोट्रोपिक, इसके बाद देखेंगे कि हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन क्या होता है। बच्चों जब कोई प्राणी यानी कोई ऑर्गेनिज्म क्या करता है, अपना भोजन स्वयं बनाता है, किसकी मदद से, सिंपल सब्सटेंस की मदद से यानी साधारण तत्वों की मदद से, साधारण पदार्थों की मदद से, यानी जब कोई प्राणी साधारण तत्वों की मदद से क्या करता है, अपना भोजन स्वयं प्रिपेयर करता है, स्वयं तैयार करता है,
ठीक है। तो ये जो न्यूट्रिशन का मोड है, ये जो पोषण करने का जो तरीका है, उसे ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन कहा जाता है। और जो भी ऑर्गेनिज्म इस तरह का न्यूट्रिशन लेते हैं या करते हैं, उनको ऑटोट्रोप्स कहा जाता है, ठीक है। तो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन जो है वो जनरली आप देखोगे तो प्लांट्स में पाया जाता है और किसी में नहीं पाया जाता है, ठीक है। तो प्लांट्स ही क्या करते हैं, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन करते हैं। और ये ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन क्यों करते हैं, क्योंकि प्लांट्स हैव ग्रीन कलर पिगमेंट कॉल क्लोरोफिल। क्योंकि पौधों में क्या होते हैं, हरे रंग की पिगमेंट्स, हरे रंग कलर की जो पिगमेंट्स होते हैं छोटे छोटे, जिनको क्लोरोफिल कहा जाता है, वो पाया जाता है, ठीक है। ये जो क्लोरोफिल वाला पिगमेंट है, ये सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है, यानी ऑब्जर्व करता है और कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्जर्व कर लेता है। और फिर जो प्लांट है वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की मदद से फूड यानी कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करता है, ठीक है। तो हमने ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन के बारे में समझ लिया। भाई ये जानते हैं कि हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन क्या होता है। न्यूट्रिशन का वो मोड, वो तरीका जिसमें कोई प्राणी अपना पोषण करता है, पोषण लेता है, ठीक है। और साथ में वो दूसरे ऑर्गेनिज्म पर निर्भर करता है, तो ऐसे न्यूट्रिशन को हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन कहा जाता है। समझे कि जब कोई प्राणी, कोई ऑर्गेनिज्म, कोई जीव जो है अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता, वो अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर करता है, तो इस तरह का जो न्यूट्रिशन होता है, पोषण करने का तरीका होता है, उसे हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन कहा जाता है, ठीक है। और जो भी ऑर्गेनिज्म, जो भी प्राणी जो है वो हेटरोट्रोपिक मोड का जो न्यूट्रिशन है वो लेते हैं, उनको हेटरोट्रोप्स कहा जाता है, ठीक है। जैसे आप देख लो, मैन हो गया, एनिमल्स हो गए, ये सब क्या है, हेटरोट्रोप्स हैं। उसी तरह पौधों में भी बहुत सारे ऐसे पौधे होते हैं जो हेटरोट्रोप्स होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमने जाना कि ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन पौधे में होता है, जबकि हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन जो है वो नॉन ग्रीन प्लांट्स में होता है, और साथ साथ में मैन और एनिमल्स में भी पाया जाता है, जबकि ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन केवल और केवल पौधों में ही पाया जाता है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि ये जो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन वो पौधों में कैसे होता है, ठीक है, देखते हैं फिर। तो हमारा अगला टॉपिक क्या है, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, यानी पौधों में स्वयंपोषी पोषण, ठीक है। तो हमें पता है कि पौधे क्या होते हैं, ऑटोट्रोप्स होते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपना भोजन स्वयं प्रिपेयर करते हैं, ठीक है, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करते हैं। और ये जो भोजन वो प्रिपेयर करते हैं, उस भोजन बनाने की जो प्रक्रिया होती है, प्रोसेस होता है, उसे हम लोग फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि फोटोसिंथेसिस के लिए पौधों को क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तो जो पौधे होते हैं वो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया में उनको रॉ मटेरियल कुछ कच्चे पदार्थों की आवश्यकता होती है, ताकि वो भोजन को तैयार कर सके। तो वो कौन कौन से पदार्थ हैं, सनलाइट है, क्लोरोफिल है, कार्बन डाइऑक्साइड है और वाटर है। इन सब की मदद से भी पौधे क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को कम्प्लीट करते हैं। तो अब एक एक करके इन जो रॉ मटेरियल इनके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले सनलाइट। सनलाइट क्या होता है, सनलाइट जो है वो फोटोसिंथेसिस के लिए सबसे एसेंशियल रिक्वायरमेंट होती है। क्योंकि अगर आपके पास सब कुछ है लेकिन आपके पास सनलाइट नहीं है, तो आप भोजन नहीं बना सकते हो। क्यों? क्योंकि आप देखोगे जो पौधे होते हैं वो केवल दिन में ही फोटोसिंथेसिस कर पाते हैं, रात में नहीं कर पाते, क्योंकि दिन के समय में ही सूर्य का प्रकाश होता है और रात के समय नहीं होता है, ठीक है। इस तरह सनलाइट जो होती है वो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया यानी भोजन निर्माण की प्रक्रिया के लिए सबसे एसेंशियल रिक्वायरमेंट है, ठीक है। और ये जो सनलाइट है वो पौधों में की पत्तियों में एक पिगमेंट पाया जाता है, ग्रीन पिगमेंट पाया जाता है, जिसको क्लोरोफिल कहते हैं। ये ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल जो है वो सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है, और एब्जॉर्ब करके क्या करता है, उसका इस्तेमाल जो है फोटोसिंथेसिस में, भोजन निर्माण में करता है, ठीक है। तो इस तरह से सनलाइट के बारे में हमने जाना। अब जानते हैं क्लोरोफिल। अभी मैंने बताया कि जो क्लोरोफिल होते हैं वो ग्रीन कलर के पिगमेंट होते हैं, जो पौधों में की पत्तियों में पाए जाते हैं। और ये क्या करते हैं, ये सन की जो सनलाइट होती है जिसमें सोलर एनर्जी होता है, उस सोलर एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं और उसे केमिकल एनर्जी में बदल देते हैं। और इसी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, फोटोसिंथेसिस कहा जाता है, ठीक है। और एक बात और ध्यान रखिएगा, यू माइट हैव सीन लीव्स ऑफ रेड, आपने कई जगह पर देखा होगा
कहीं कहीं पत्तियाँ कभी कभी कहीं पे रेड या ब्राउन कलर की या येलो रंग की पाई जाती है, या फिर पत्तियों पे कुछ पैचेस धब्बे जैसे पाए जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे कलर वाली जो पत्तियाँ होती हैं वो भी फोटोसिंथेसिस करती हैं। क्योंकि क्यों करती हैं, क्योंकि इनके अंदर क्लोरोफिल जो होता है वो हिडन फॉर्म में छुपे हुए रूप में होता है, ठीक है। तो इस तरह से हमने जाना है क्लोरोफिल के बारे में। अब हम देखते हैं वाटर और मिनरल के बारे में। तो जो पौधे होते हैं वो जो फोटोसिंथेसिस करते हैं उनको उसके लिए वाटर मिनरल भी चाहिए होता है। और ये वाटर मिनरल कहाँ से मिलता है, ये पौधों को रूट की मदद से, जो ज़मीन में पानी रहता है, मिनरल रहता है, जो पौधे होते हैं उनके रूट्स वाला पार्ट जो है वो ज़मीन के अंदर से वो पानी को अब्जॉर्ब या मिनरल को अब्जॉर्ब कर लेता है और पत्तियों तक फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए पहुँचाने का काम करता है। तो इस तरह से हमने जाना कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए सनलाइट, क्लोरोफिल और वाटर और मिनरल की रिक्वायरमेंट होती है। वो कैसे पूरी होती है वो इस एक्सप्लेनेशन के द्वारा आप समझ गए होंगे, ठीक है। आप तस्वीर में भी देख रहे हैं कि देखो जो प्लांट है उसकी जो रूट्स है उसमें रूट हेयर पाए जाते हैं और यही पानी को ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है ना, फिगर के माध्यम से भी आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा कि जैसे ही हमें सारे रॉ मटेरियल मिल गए तो क्या होगा, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होगा। तो अगर आपसे पूछा जाए फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस क्या है, तो आप बताओगे फोटोसिंथेसिस वो प्रक्रिया है, वो प्रोसेस है, ठीक है, भोजन बनाने की। यानी फोटोसिंथेसिस भोजन बनाने की वो प्रक्रिया है जिसमें ग्रीन प्लांट क्या करते हैं, हवा से यानी एयर से, एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और रूट के द्वारा वाटर ज़मीन से लेते हैं, ठीक है। और क्लोरोफिल की प्रेजेंस और सनलाइट की प्रेजेंस में क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन क्या दे सकते हैं, द प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ फूड यानी ग्लूकोज बाई ग्रीन प्लांट्स फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट इज नोन एज फोटोसिंथेसिस। आइए देखिए इसे, आइए देखते हैं इसको इक्वेशन के माध्यम से कैसे किया जाता है। तो इक्वेशन क्या है बच्चों, 6CO2 प्लस H2O रिएक्शन होगा इन दोनों का, जिससे क्या बनेगा, 6H12O6 जिसको ग्लूकोज कहते हैं, और साथ में बाय प्रोडक्ट बनेगा 6 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के, ठीक है। तो हमने इस इक्वेशन में देखा कि जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है यानी CO2 उसके 6 मॉलिक्यूल लिए, और वाटर यानी जिसको H2O भी बोलते हैं, इसका केमिकल फार्मूला होता है, उसके 6 मॉलिक्यूल लिए, और इन दोनों का रिएक्शन कराया सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में, ठीक है। जिससे इनके रिएक्शन से क्या बना, ग्लूकोज यानी कार्बोहाइड्रेट बना C6H12O6, और साथ में बाय प्रोडक्ट 6 मॉलिक्यूल निकले ऑक्सीजन का। तो इस रिएक्शन के माध्यम से हमने देखा कि जो है जो पूरा केमिकल प्रोसेस होता है वो कैसे कैसे होता है। इसके अलावा आप चित्र के माध्यम से भी फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को देख पा रहे होंगे कि एक प्लांट है, उस प्लांट में पत्तियाँ हैं, उस पत्तियों में क्या स्टोमेटा की मदद से ऑक्सीजन बाहर निकल रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो अंदर जा रहा है, साथ में रूट की मदद से पानी जा रहा है, ठीक है। और ये मिल करके क्या कर रहे हैं, सनलाइट प्रेजेंस है की प्रेजेंस हो रही है, और साथ में पत्तियों में क्लोरोफिल प्रेजेंट है, और इन सब की मदद से पौधे जो है वो कार्बोहाइड्रेट यानी फूड का निर्माण कर रहे हैं, ठीक है। अब आइए देखते हैं साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस यानी पौधे में कौन सी ऐसी जगह होती है जो फोटोसिंथेसिस के का काम करती है, ठीक है, के काम में मदद करती है। तो सबसे पहले पौधों की जो पत्तियां, सबसे पहले क्लोरोफिल के बारे में पढ़ते हैं, फिर इसके बाद हम लोग स्टोमेटा के बारे में पढ़ेंगे। जो क्लोरोफिल होता है वो पौधों की पत्तियों में होता है, ठीक है, और साथ में ये जो यंग स्टेम होता है यानी छोटे जो पौधे होते हैं उनमें इतनी पत्तियाँ तो होती ही नहीं है, तो उनके यंग स्टेम में यानी जो नव युवक तना होता है उसमें भी क्लोरोफिल शुरुआत में क्या रहता है, पाया जाता है, ठीक है। ये जो क्लोरोफिल होते हैं ये जो होते हैं ये सनलाइट को ट्रैप करते हैं और उसको सोलर एनर्जी को जो है केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो ये पत्तियों में प्रेजेंट होते हैं और पत्तियां ही भोजन का निर्माण करती हैं, इसलिए हम पत्तियों को क्या कहते हैं, फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट कहते हैं। और ये जो क्लोरोफिल होते हैं वो वास्तव में पत्तियों में कहाँ पाए जाते हैं, पत्तियों में जो है एक टिश्यू होता है जिसको हम क्या कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, और इस टिश्यू में ही सॉरी टिश्यू नहीं होता, ये जो पत्तियों में जो सेल होते हैं उस सेल के अंदर
एक जो कंपोनेंट होता है क्लोरोप्लास्ट, उस क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये क्लोरोफिल प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। और ये जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं ये पूरे पत्तियों में के सेल में पाए जाते हैं, यानी पौधों की पत्तियां सेल से बनी होती हैं, ठीक है। और ये सेल में ही क्लोरोफिल पाया जाता है, और इन्हीं क्लोरोफिल की मदद से पौधे क्या करते हैं, जो है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में सनलाइट को ट्रैप करके उसे केमिकल एनर्जी में बदलने का काम करते हैं। इसके अलावा फोटोसिंथेसिस का साइट और कौन सा हो सकता है, स्टोमेटा हो सकता है। क्यों? क्योंकि जो पत्तियां होती हैं उनमें छोटे छोटे पोर्स पाए जाते हैं, छिद्र पाए जाते हैं इनके सरफेस पे, ठीक है। और ये जो स्पोर्स स्टोमेटा होते हैं, छोटे छोटे स्पोर्स होते हैं, ये क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को पत्तियों के अंदर से लेते हैं, जो पौधों की पत्तियों में एंटर कर जाता है और रीच टू द क्लोरोप्लास्ट, और फिर ये क्लोरोप्लास्ट में पहुँचता है जहाँ से भोजन का निर्माण शुरू होता है, ठीक है। तो ये स्टोमेटा और जो क्लोरोफिल है ये पौधों की पत्तियों में वो साइट होते हैं जहाँ जिसकी मदद से फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया की जाती है, ठीक है। अब आइए हम जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस का इम्पोर्टेंस क्या है, महत्व क्या है, ठीक है। तो देखिए फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण के तीन प्रमुख जो है वो उसके तीन प्रमुख महत्वपूर्ण महत्व हैं, ठीक है। पहला महत्व क्या है कि जो फोटोसिंथेसिस पौधे होते हैं वो फोटोसिंथेसिस की मदद से ही फूड का निर्माण करते हैं, जिसमें से कुछ फूड वो अपने लिए इस्तेमाल कर लेते हैं, बाकी जो फूड बच जाता है वो उसे अलग अलग अपने बॉडी के पार्ट में उसे स्टोर कर देते हैं, जिसका इस्तेमाल मनुष्य या जानवर दूसरे ह्यूमन बींग वगैरह करते हैं, ठीक है। दूसरा फायदा क्या है, फोटोसिंथेसिस की मदद से ही वातावरण में क्या होता है, गैसों का बैलेंस बना रहता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का जो बैलेंस है वो फोटोसिंथेसिस की मदद से ही क्या रहता है, मतलब जो है बैलेंस बना रहता है। इसके अलावा फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया की मदद से ही ऑक्सीजन गैस निकलती है, जिसका इस्तेमाल ऑर्गेनिज्म लिविंग ऑर्गेनिज्म भोजन सांस लेने के लिए करते हैं। अगर ये ऑक्सीजन ना प्रोड्यूस हो तो हमारे लिए सांस लेना संभव नहीं होगा, ठीक है। अब एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात याद रखिए कि जो पौधे होते हैं जो फूड प्रोडक्ट बनाते हैं, ठीक है, जिसे हम कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज कहते हैं, तो ये उस वो जो क्या नाम है फूड होता है वो शुगर के रूप में तो वो इस्तेमाल कर लेते हैं, जो जितना हिस्सा वो इस्तेमाल अपने काम के लिए करना चाहते हैं वो इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन जो फूड बच जाता है, जो शुगर बच जाता है, उस शुगर को वो क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट का एक दूसरा फॉर्म होता है, एक दूसरा रूप होता है जिसे स्टार्च कहते हैं, उसके रूप में अपने पौधों के अलग अलग भागों में स्टोर करते हैं, और इन्हीं अलग अलग भागों का इस्तेमाल हम भोजन के रूप में करते हैं, ठीक है। आइए अब हम देखते हैं कि पौधे जो होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट सिंथेसिस के अलावा और क्या करते हैं, मतलब पौधे की जो पत्तियां होती हैं, पौधे जो होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट तो बनाते ही हैं, भोजन तो बनाते हैं, इसके अलावा और भी किस चीज़ का निर्माण करते हैं, तो जो पहला देखते हैं फिर इसका सेकंड देखेंगे। तो जो पौधे होते हैं उनकी और किन चीज़ों का निर्माण होता है, ठीक है। देखिए जो पौधे होते हैं उनकी जो कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनकी जड़ों में क्या पाया जाता है, छोटी छोटी गांठें पाई जाती हैं, और इन्हीं गांठों में क्या रहता है, एक बैक्टीरिया पाया जाता है जिसे हम क्या कहते हैं, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया कहते हैं। इसके अलावा भी मिट्टी में भी कुछ नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया पाए जाते हैं, जो क्या करते हैं, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को यानी उपयोगी नाइट्रोजन को जो है वो जो है यूजेबल फॉर्म में बदल देते हैं, यानी टॉपिक क्या है, टॉपिक ये है कि कार्बोहाइड्रेट तो निर्मित होता ही है, इसके अलावा भी भोजन के निर्माण के लिए क्या क्या चीज़ें हमें सिंथेसिस करना पड़ता है, निर्मित करना पड़ता है। तो मैंने बताया कि पौधे की जड़ों में या मिट्टी में भी क्या हो जाते हैं, बैक्टीरिया पाए जाते हैं, और ये बैक्टीरिया को नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया कहते हैं, ठीक है। और ये नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया क्या करते हैं, नाइट्रोजन को यूजेबल फॉर्म में बनाने का काम करते हैं, क्योंकि हमारे आपको पता है कि एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा मात्रा में नाइट्रोजन गैस है, यानी 78% मात्रा में नाइट्रोजन गैस है, लेकिन पौधे जो है इस नाइट्रोजन गैस का इस्तेमाल डायरेक्टली नहीं कर पाते, तो सीधे इस्तेमाल नहीं कर पाते, तो पौधे क्या करते हैं कि कंपाउंड के रूप में इसका इस्तेमाल करते हैं। तो मिट्टी में या जड़ों में जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया पाए जाते हैं वो इन्हीं फ्री नाइट्रोजन को क्या करते हैं, नाइट्रोजन के कंपाउंड में कन्वर्ट कर देते हैं, जिसका इस्तेमाल पौधे जो है वो सोल्यूबल फॉर्म में वाटर के सोल्यूबल फॉर्म में इस जब वाटर में घुल जाता है तो उसके फॉर्म में वो या रेन वाटर के माध्यम से इसको क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं और भोजन का निर्माण करते हैं, ठीक है।
तो अब इसका एक सेकंड देख लेते हैं और क्या होता है। तो जो किसान होते हैं, फार्मर होते हैं, वो क्या करते हैं, खेतों में जब भी उनको पेड़ उगाना होता है, अनाज उगाना होता है, तो क्या करते हैं, वो मिट्टी में मैन्योर और फर्टिलाइजर ऐड करते हैं। और ये मैन्योर और फर्टिलाइजर में नाइट्रोजन, पोटेशियम और दूसरे मिनरल उपस्थित होते हैं, जिनको यूरिया कहते हैं। और ये जब सब्सटेंस मिट्टी में छिड़का जाता है, तो ये या वाटर में घोला जाता है, और घोल करके जब इनको पेड़ों की जड़ों में डाला जाता है, मिट्टी में डाला जाता है, तो पौधे जो होते हैं वो रूट के द्वारा इन मिनरल्स वो अब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिससे इनकी ग्रोथ में बहुत वृद्धि होती है और पौधे प्रोटीन का निर्माण कर पाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आज हमारा ये टॉपिक जो है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स कंप्लीट होता है। ठीक है, इसके अलावा भी प्लांट्स में न्यूट्रिशन के दूसरे मोड भी हैं। ठीक है, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। और पौधों में जो हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन होता है, यानी विषम पोषी पोषण होता है, उसे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।